नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, लेकिन आप थोड़े टेंशन में भी रहे होंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की धमकी की खबर ने आपको शायद टेंशन में डाल दिया होगा, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स के स्कूलों में फोन बजने लगे थे। तुरंत बच्चों को स्कूलों से निकाला जाने लगा था, जिसकी तस्वीर शेष भारत ने आपको दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस, स्पेशल सेल समेत तमाम एजेंसियां जांच में अब जुट गई हैं। और अब ये बात सामने आई है कि इसका कनेक्शन रूस से था। स्कूलों में बम वाला ईमेल भेजने के लिए रूस के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट तो रूसी है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आराम से किया जा सकता है। इसलिए जिस डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से इसे भेजा गया है, उसके IP एड्रेस का भी पता लगाया जा रहा है। स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी IFSO यूनिट ने जांच को शुरू कर दिया है। धमकी वाला ईमेल की अगर हम बात करें तो धमकी वाला ईमेल savarim.mail.ru की ID से भेजा गया। सवारिम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब तलवारें टकराना होता है। इसे इस्लामिक स्टेट IS ने 2014 से इस्तेमाल करना शुरू किया था। अभी जांच शुरुआती दौर में है, इसलिए पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये ईमेल IS की तरफ से आया है, लेकिन हाँ, आशंका व्यक्त की जा रही है कि IS की तरफ से ये मेल भेजा जा सकता है। धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए प्रॉक्सी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ और इसलिए जांच एजेंसी के लिए आरोपियों तक पहुंचना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये पूरी साजिश काफी सोच समझकर की गई है। बुधवार सुबह 4 बजे से दिल्ली NCR के स्कूलों को मेल भेजने की शुरुआत की गई, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहा। ये भी हो सकता है कि रूसी VPN का जिस IP एड्रेस के डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया होगा, उसे साजिशकर्ताओं ने नष्ट भी कर दिया होगा। इसलिए पुलिस के लिए इस मामले की जांच को करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। अगर साइबर एक्सपर्ट की बात करें तो साइबर एक्सपर्ट इस मामले में कहते हैं कि जियो स्पूफिंग के जरिए किसी भी देश के VPN को किसी भी देश में बैठकर चुना जा सकता है, और वो भी आसानी से। इसके जरिए IP एड्रेस को भी बदला जा सकता है, यानी अपनी लोकेशन को आप आसानी से बदल सकते हैं। ऐसे में मेल भेजने वाले आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। स्कूलों को मेल जिस रूसी ईमेल सर्विस से आया, हाल ही में यूक्रेन की सेना के IT विभाग ने इस सर्विस को निशाना बनाया था और इसे बंद करवा दिया था। लेकिन हो सकता है कि ईमेल कहीं और से भी भेजा गया हो, जैसे कि VPN या डार्कनेट इस्तेमाल करके। जांच करने वाले ये भी सोच रहे हैं कि शायद किसी छात्र या छात्रों के ग्रुप ने शरारत की हो और उन्होंने अपना IP एड्रेस छिपाने के लिए ऐसा किया हो। इसके अलावा वो दूसरे पहलुओं से भी जांच कर रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी हैकर ग्रुप का हाथ तो इसमें नहीं है, क्योंकि ईमेल ID के IP एड्रेस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इसे किसी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और प्रॉक्सी सर्वर की मदद से छिपाया गया था। साइबर विशेषज्ञ 2 IP एड्रेस ढूंढने में तो कामयाब रहे, लेकिन वहां से आगे कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये सिर्फ ईमेल भेजने वाले ने गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया हो। असली जानकारी तो तभी मिल पाएगी जब भेजने वाले सर्वर से कोई पक्का सबूत मिल पाएगा, जिसके लिए अभी कोशिश की जा रही है। लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान की ISI ऐसा करने की कोशिश कर सकती है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ईमेल भेजने वाले को ढूंढने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि ईमेल के पैटर्न पर भी गौर किया जा रहा है, जो आपने भी गौर किया होगा, क्योंकि ईमेल में खास तौर पर चुनिंदा इस्लामिक धार्मिक आयतें लिखी गई हैं। साथ ही भेजने वाले का नाम सवारिम भी एक ऐसे इस्लामिक गाने नशीद से लिया गया जिसे ISI ने बनाया था। इस गाने में खून खराबा और युद्ध की बात होती है, जो इस ईमेल से बिल्कुल मिलता जुलता है। इतने सारे स्कूलों को ईमेल भेजने से पुलिस को लगता है कि ये पहले से सोची समझी साजिश थी। इसके लिए स्कूलों के ईमेल एड्रेस इकट्ठा करने पड़ते हैं। ये लिस्ट या तो डार्क वेब से ली गई होगी या फिर इंटरनेट पर सार्वजनिक तौर पर मौजूद जानकारी से किसी प्रोग्राम की मदद से ढूंढी गई होगी। वैसे जैसे दिल्ली नोएडा में धमकी भरा मेल भेजा गया, ठीक वैसे ही पहले दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में बड़ी संख्या में स्कूलों को फर्जी धमकियां भेजी जा चुकी हैं। 1 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु के 48 स्कूलों को बम होने की सूचना दी गई थी,
इसी साल फरवरी में चेन्नई के 13 स्कूलों को और अप्रैल में कोलकाता के स्कूलों को इस तरह की मेल भेजी गई, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में बम की धमकियों की लगातार घटनाओं से निपटने के लिए एक कार्य योजना के बारे में जानकारी देने को कहा था। अदालत ने याचिकाकर्ता वकील अर्पित भार्गव द्वारा दायर एक आवेदन पर अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि स्कूलों में बम की धमकी की 5 घटनाओं में 3 की अभी तक जांच हो ही नहीं पाई है और अक्सर जांच लटकी रहती है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। यानी ये कहा जा सकता है कि जांच पर जांच होती रही लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा गया। लेकिन ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, फिर वो धमकी ईमेल से आई हो या फिर कॉल के जरिए, इसको गंभीरता से लेना होगा और इसकी जांच की निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, क्योंकि इस तरह की धमकी से पेरेंट्स को काफी चिंता हो जाती है। लेकिन कानून इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई भी करता है। फिलहाल असली मकसद तो इन लोगों को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से कोई आतंकी घटना और उग्रवादी घटनाएं नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में लोगों में खौफ भरने के लिए इस तरह की धमकी दी जा रही है। दिल्ली में शांति भंग करने के मकसद से ये हरकत की गई होगी, इसलिए धमकी को रोकने के लिए कानून को और सख्त करना ही पड़ेगा। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनको सजा जल्द से जल्द हो, क्योंकि अपराधियों के अंदर डर लाना होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तभी कहीं ना कहीं ये धमकी भरे ईमेल आना बंद हो सकेंगे। फिलहाल हम आपके सामने ऐसी खबर लाते रहेंगे और आपको खबर की सच्चाई बताते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।